अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा क्विक रिव्यू। हियर इज़ माय अनदर वीडियो जो कि है फ्रिज। आज मैं आपको फ्रिज को, ग्लास डोर फ्रिज को साफ़ करना बताऊंगी कि आप किस तरीके से जो है ग्लास डोर फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें जो है ग्लास डोर में मसला ये होता है कि हल्का सा भी आपका हाथ लगा या उंगली भी लगी तो इसमें निशान पड़ जाता है। तो इसको डेली वाइज जो है बहुत क्लीन करना पड़ता है इसको। तो मैंने सोचा कि मैं आप व्यूवर्स को भी बता दूँ कि किस तरीके से आप ग्लास डोर फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए मैं करीब से भी दिखा देती हूँ कि कितना मैसी हो रहा है। और लास्ट टाइम पे एंड पे जो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उसमें आपको साफ फर्क वाजे मालूम होगा कि कितना क्लीन हो जाता है। आप अगर रोजाना भी क्लीन करें और इससे जो है बेस्ट रिजल्ट मिलता है आपको ग्लास डोर फ्रिज पर। हल्के से भी निशान नहीं पड़ते क्योंकि ये बिल्कुल विंडो की तरह होता है, इसकी शीशे की तरह होता है, तो उसमें जो है निशानात पड़ जाते हैं। हल्के से भी बहुत बुरे लगते हैं, इसमें हल्का सा भी निशान जो है ग्लास डोर फ्रिज पर बुरा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दो आइटम चाहिए होंगे जो कि आपके पास कोई सा भी जो है विंडो क्लीनर जो भी होता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आपको चाहिए होगा फ्लोर क्लॉथ, जो भी क्लॉथ होते हैं जो कि नरम होते हैं, स्कॉच ब्राइट वालों के हैं। इसके अलावा इनके छोटे वाले भी क्लॉथ मिलते हैं, ये जो है नरम भी होते हैं और जो है फ्रिज पर यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें एक पानी और कोई धब्बा जो है बिल्कुल भी नहीं रहता। चलिए कोई सा भी आप यहाँ पर अपनी तरफ से, आप जो भी विंडो क्लीनर, जो भी आपके पास स्प्रे है वो आप यूज कर सकते हैं। विंडो क्लीनर, ग्लास क्लीनर होना चाहिए वो, सही है, ग्लास क्लीनर होना चाहिए जिससे आपकी फ्रिज का जो है क्लीन होगा और शाइन होगा और जो है उसकी परफ्यूम की स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा ये एंटी डस्ट है, सही है। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और अगर आपके पास ये नहीं है स्कॉच ब्राइट का कोई सा भी क्लोथ नहीं है आपके पास, सही है, तो इसके अलावा आप जो है इसके ऑल्टरनेटिव जो है टवल यूज़ कर सकते हैं। टवल से भी जो है आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। टवल के अलावा कोई ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो नरम हो, सही है, जो कि जो आपका वाटर जो है वो जज्ब कर ले। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना फ्रिज को, ग्लास डोर फ्रिज को क्लीन करना, सही है। तो ये मैंने ले लिया है, ये ग्लेंट वालों की कंपनी का जो है विंडो क्लीनर है, सही है। तो इससे जो है मैं क्लीन करूँगी फ्रिज, सही। तो यहाँ जो है अब मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ। ज़्यादा स्प्रे नहीं करिएगा, सिर्फ टू पम्प बहुत होते हैं ऊपर और नीचे के लिए, सही है। तो अब जो है मुझे टवल, या आप जो भी टवल लेंगे या जो भी क्लोथ लेंगे उसको गीला मत लिएगा, सूखा लिएगा, सही है। तो ये जो है सूखा है, बिल्कुल गीला नहीं है, हल्का सा भी गीला नहीं है। और यहाँ पर ही जाके जो ये गीला होगा और इसको क्लीन करेगा। देखें ये कितना क्लीन होता जा रहा है और यहाँ पे कितना मैसी हो रहा था। और जो है ये सिर्फ मैंने इस पर कोई स्पंज जो है बिल्कुल सूखा है, ड्राई है, सही है। और वो जो मैंने ग्लेंट का जो विंडो क्लीनर था सिर्फ वो डाला है और उससे मैं क्लीन कर रही हूँ इसको। तो ये जो है इतना साफ होता जा रहा है। थोड़ा सा इसको जो है आप लोग अच्छी तरीके से रब करिएगा ताकि इसका जो जितना भी गंद है वो निकल जाए, सही। तो ये जो है देखें कितना क्लीन हो गया है। और यहाँ से भी मैं थोड़ा क्लीन करीब से दिखा देती हूँ, सही है। तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया। चलें अब तो नीचे इसका स्टार्ट करते हैं, इसको भी साफ़ करना। इसको भी इसी तरीके से आप साफ़ करेंगे। देखें यहाँ पे कितना गंदा होता है। अच्छा इसको अच्छी तरीके से रब करिएगा। डोर फ्रिज का जो है आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया। और इसी तरीके से मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।